हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 13 तारीख है और आज मैं निफ्टी पे व्यू लेके आया हूँ। आज आप देखेंगे निफ्टी एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाया है। मैं आपको कई दिन से बोल रहा था कि इस पर आप पोजीशन बना सकते हैं 10-600 कॉल किए हो। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो जा करके देख लीजिए, जो जो भी रिकमेंडेशन है या जो भी मैंने पोजिशन बनाई है बताई है वो बाई की ओर बताई है, और आज वही हुआ। और आप देखेंगे अच्छे खासे निगेटिव सेंटीमेंट जब मार्केट के थे तो उसके बावजूद कल के जो सेंटीमेंट थे उसके बावजूद आज निफ्टी नीचे जा करके वापस एक ऊपर की ओर पोजीशन बनाया, और ऊपर नीचे करते हुए अल्टीमेटली इसने जो बनाया। आप अगर इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, आज देखिए एक मिनट, अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स में देखेंगे निफ्टी आज ओपन हुआ 10451 पे, हाई बनाया 596 का, और जो क्लोजिंग दिया 10582 पे दिया, हाई की ओर ही क्लोजिंग दिया, लो 10440 का बनाया। लेकिन ये 10400 को लोन नहीं तोड़ेगा, अभी किसी रीजन से नहीं तोड़ेगा, या मान के चलिए 10400 को लोन नहीं टूटने वाला, अभी तो नहीं टूटने वाला है। और अभी ओपन इसका ही हो चुका है, आपको चार्ट में ये दिखेगा 11000 भी क्रॉस कर सकता है। तो चलिए मैं हवे में नहीं बता रहा, बताने की भी जरूरत नहीं है, और अभी ओपन हो चुका है, निफ्टी ओपन की ओर जा सके ऊपर जा चुका है। और आपको बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरा जो बिलीव है 11100 11200 भी जा सकता है, लेकिन चलिए हम इतना दे देंगे, बाद में हम प्रॉब्लम आएगा। तो आप अभी 10700, पहले 10681 इसका जो यहाँ पे सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है 10600, ये है जो 10679 मैंने 10690, तो 10700 एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए, फिर आपको सीधा 10961 देखने को मिलेगा। तो 10700 और फिर सीधा 10900, उसके बाद आपको जो यहाँ पे सीधा देखने को मिलेगा वो 10947 का देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखिए 11000 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्यों ऐसे मैं सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा आपको बता रहा हूँ। पेपर पे बता रहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। अब देखिए आज क्या हुआ, 10 जैसे आपको बताया दिया ओपन कहाँ पे हुआ, लो कितना बनाया, और धीरे 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 जहाँ पे इसने हाई बनाया 96 का उसी के नियरेस्ट में नियरेस्ट हाई पे ही क्लोजिंग दिया। तो 10582 का क्लोजिंग दिया, 100 पॉइंट अप हो करके दिया, 0.96 का गेन दिखाया, एडवांस 41 है, डिक्लाइन 9 है। जो गेनर है सबसे ज़्यादा आइशर मोटर गेन दिखाया है, आप जाके आइशर मोटर की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने क्लियर बोला था आइशर मोटर बाय रिकमेंडेशन अभी भी है। IOC BPSC कल का भी गेनर रहेगा, आज का गेनर तो है ही, कल का भी गेनर रहेगा। ये ऑयल सेक्टर कल के भी ह्यूज गेनर में आपको देखने को मिलेंगे। और अभी BPCL और IOC में आप अच्छे खासे लेवल 325 तक इसमें लेवल, और ये 255-60 तक के हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लेवल को भी क्रॉस करते हुए आपको नजर आएगा। और यहाँ पे जो वीकनेस देखने को आई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा विंग है, 150 के आसपास आपको टाटा मोटर्स को इकट्ठा करना चाहिए। टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छी बाइंग है, अगर 150 या 155 के आसपास आता है तो यहाँ से आप इकट्ठा कीजिए, 150 टू 160 के रेंज में बाई कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। ये अभी 150 से लेकर के 190-210 तक के रेंज में भी रहेगा। इंडिया बुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पावर ग्रिड, सिप्ला, सिप्ला फार्मा सेक्टर में अच्छा है, आगे 2-3 साल जो आएगा उसमें फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा। और तो ये था थोड़ा इंडेक्स के बारे में था, नहीं ये थोड़ा गेनर और लूजर के बारे में था। अब अगर यहाँ पे देखें तो आज क्या हुआ है, आज देखेंगे तो FII ने 500 करोड़ की सेल किया है और DII ने बाई किया है। तो कल उल्टा हुआ था, कल DII सेल कर रहा था, FII बाई कर रहा था, अगर दोनों आज बाइंग आ जाती तो आज ही आपको 10700 देखने को मिल जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेट से ही कल आने दीजिए इनको। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स की बात करूँ तो अभी इंडेक्स में एक बार चलते हैं। अभी इंडेक्स में आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में निफ्टी सारे सारे सेक्टर यहाँ लगभग ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, और विक्स 18.69 पे 3% कमजोर होकर के आपको 18.69 पे दिखा रहा है। तो सारे इंडेक्स आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, सारे इंडेक्स चले हैं वहाँ पे। सेक्टर में चले तो बैंक, ऑटो, फाइनेंस ये सब अच्छा किया है। ये फाइनेंस सेक्टर तो 1% से बढ़ा हुआ है, FMCG बढ़ा हुआ है, ऑटो तो आप देखें ही वहाँ पे। निफ्टी प्राइवेट बैंक अच्छा किया है, PSU बैंक में आज रिजल्ट थे और बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ PSU बैंक में। और अगर देखें मेन बैंक सेक्टर में कौन चला है तो बैंक में आप देख लीजिए जो मेन चला है उसमें चला है ICICI बैंक चला है, और ICICI बैंक अब एक नए जोन में जा चुका है। इसमें डबल पैटर्न बना हुआ था और टॉप पैटर्न बना था, तो यहाँ से आपको 275 भी ICICI बैंक में आपको देखने को बन सकता है, और 275-280 ऊपर की ओर जा सकता है ICICI बैंक। अच्छा खासा आपको गेन ICICI बैंक में देखने को मिल सकता है, तो वाच कीजिए क्योंकि बैंक सेक्टर भी पॉजिटिव है, और बैंक सेक्टर में भी एक बहुत ही बड़ा एंड ओपन हो सकता है। बैंक सेक्टर भी आपको 27000 के आसपास दिखाए।
तो बैंक सेक्टर से ज्यादा मैं निफ्टी में अभी बुलिश हूँ। निफ्टी मेरे को बहुत ही बुलिश दिख रहा है, उसका कारण क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा उसका रीजन बताऊंगा, जो कि आपको इंडेक्स ऑप्शन चेन में आपको मिलेगा, तो उसका रीजन मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में भी देख लेते हैं एक बार। तो ऑटो सेक्टर में देखिए आयशर मोटर 1366 पॉइंट का गेन दिखाया है और MRF 449 पॉइंट, मारुति 52 पॉइंट, ये सब अच्छे खासे गेनर रहे थे। एक बार निफ्टी 50 में देख लें तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे जो गेनर है आयशर मोटर, BPCL, अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट 86 पॉइंट, HDFC बैंक 29 पॉइंट। तो ऑयल सेक्टर तो गेनर थे ही, क्रूड गिर रहा था, और डॉक्टर रेड्डी, मारुति 52 पॉइंट, बजाज फिंजर। तो आप देखेंगे टोटल 41 एडवांसेस हैं, डिक्लाइन 9 है। डिक्लाइन में जो जो थे वो जेल, इंफ्राटेल, इंडसलैंड बैंक, SCL टेक, सिप्ला, पावर ग्रिड, इंडिया बुल, टाटा मोटर, सन फार्मा, कोई बात नहीं रहने दीजिए इनको, गिरने दीजिए आप। इसका भी इंडिया बुल का भी सपोर्ट एक 810 के आसपास है, कल मैंने बताया था, तो वहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं। इंडिया बुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सेक्टर है। और अगर मैं अभी अब यहाँ से एक बार अगर ऑप्शन चेन की बात करूँ, तो ऑप्शन चेन में आपको एक चीज़ अच्छी चीज़ दिखाने को बोल दिखाता हूँ क्या अच्छा चीज़ है। ये है ऑप्शन चेन 10582 का, और निफ्टी में जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ये 13 नवंबर का मैं बता रहा हूँ, ये पुट्स है, ये कॉल्स है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर एट द मनी चलूँ मैं 10582, तो आपको 10600 के आसपास चलिए, 10600 चलिए, 10600 में क्या आप देखेंगे, पुट में राइटिंग हो रहा है, 2625 का सपोर्ट ले रहा है और 11,45,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 22,00,000 का, लेकिन यहाँ से अनवाइंडिंग हो रहा है। तो आप आज देखेंगे कि कॉल साइड में आपको सारा ग्रीनरी है और पुट साइड में सारा रेड है, लेकिन अब उल्टा चीज़ दिखाता हूँ आपको। बाइंग जो सपोर्ट लेवल पे हो रहा है, आप देखिए बाइंग हर लेवल पे हो रहा है, 10500 पे हो रहा है, 10400 पे हो रहा है, 10300 पे हो रहा है, 10200 पे हो रहा है, वापस नीचे से अब इंडेक्स ऊपर की ओर जा रहा है। जो कल परसों जो आपको उल्टा रिवर्सल मिला था, नीचे और जा रहा था, अब उल्टा हो रहा है, अब जो सपोर्ट है ऊपर की ओर आ रही है, और सपोर्ट अब आपको 10400 पे 21,00,000 का है, आज का एडिशन हुआ है 371 का, 371,000 का, 10500 पे 270,000, 24,00,000 का एडिशन है, टोटल 10200, अब ये टूटने ही वाला नहीं, और 10000 पे 46,00,000 का ओपन इंटरेस्ट, तोड़ के तो दिखाए 10000 को, तो जाएगा नहीं। आप बुलिश की ओर जाए, जब इंडेक्स बुलिश की ओर है तो आप क्यों नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर सोच रहे हैं, आप ऊपर की ओर सोचिए। और अब कॉल की ओर चलते हैं, कॉल की ओर क्या दिख रहा है, कॉल की ओर ओपन आपका कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग पोजिशन नहीं बन रहा है, मतलब रेसिस्टेंस नहीं कहीं पे। तो अगर मेरे हिसाब से पूछो तो बाउंड्री उसने ओपन कर दी, आप देख लीजिए ये बाउंड्री ओपन है, कहीं पे भी जा सकता ऊपर। तो ऊपर की बाउंड्री जो खोल दी है, ओपन कर दी है, तो मैं इसलिए 11000 प्लस का भी एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, 11000 प्लस भी जाएगा। बट 11000 पे चूंकि सबसे ज़्यादा 32,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक 11,00,000 आप 11000 पे हो सकता है आपको समझ में, लेकिन सबसे पहले इसको 26,00,000 या 10700 क्रॉस करने दीजिए एक बार, 10700 के बाद ये सीधा आपको 11000 प्लस दिखेगा। लेकिन मेरे को जो इस ऑप्शन चेन में एक चीज़ समझा दो जो मुझे समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस तो 10500 पे आ गया, ऊपर कहां तक जाएगा ये ओपन बाउंड्री खोल दिया इसने, ऊपर का कोई रेसिस्टेंस नहीं, ओपन ऊपर हो चुका है, ऊपर कहीं पे भी मार्केट को लेके जाया जा सकता है। और आज का जो फ्लो सिस्टम रहा, जो चार्ट पे देखने को मिल रहा है, आप अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये देखिए क्या किया है, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसके जो लो को था आप देखेंगे 12 तारीख के जो लो को बनाया था 464 को, 10464 को, इसके लो के नीचे लो गया, मतलब इससे लो बनाया और इसके हाई को टच करने की कोशिश कर रहा था और इसके हाई को भी क्रॉस नहीं किया। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है जिसको बुलिश पैटर्न कहते हैं, यहाँ से बुलिश सिग्नल जनरेट होता है। और आप अब देखेंगे तो 10681 जो वहाँ 10700 पे ऑप्शन चेन पे बन रहा है, यहाँ पे 10681 जो कि 50 डेज का डेमा है, अगर ये क्रॉस करता है तो आपको सीधे 10800 और फिर उससे नीचे 10, मैंने समझिए कि आपको 10800 10900, ये अब तो कहने को है चार्ट में, जो ऑप्शन चेन में तो सीधा 10181 के बाद 11000 है। तो अभी मेरे अंदाज से आपको पॉजिटिव बाई करना चाहिए, और पॉजिटिव बाई अगर आप किसी ने भी 10600 का कॉल 100 रुपये पे कल लिया रहता था, आज 138 रुपये का गेन है। अभी भी 10600 पे कॉल पे अगर कोई पोजीशन बनाता है 138 पे, तो उसे बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होने को है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 11000 का कॉल ले लीजिए, 11000 का 15 रुपये पे कॉल मिलता है। लेने के लिए अगर आपको एक अगर डायरेक्ट मार्केट में सीखने के लिए करना है तो एक बार 11000 का कॉल लेके देखिए,
आपको 75 × 15 रुपया लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो 1000 रुपये 1200 रुपये के आसपास आपके पास लगेगा। 11000 का कॉल लेकर के एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लेंगे तो ये अच्छा खासा यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में इस महीने की क्लोजिंग तक दिखा सकते हैं। अभी तो मार्केट बुलिश है। और एक चीज़ उसके साथ सपोर्टिव में आपको बताना चाहूँ, और एक चीज़ सपोर्ट में क्या है, एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव दिखा रहा है आपको। और भी दिखाऊँ आपको तो एक बार ये देखिए, ब्रेंट क्रूड का मैं आपके पास चार्ट लेके आया हूँ, जो कि अभी 77.34 चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आज का हाई 69.68 बनाया और 67, ये क्या फॉल किया आज के डेट में, आपको गैप अप फॉल है इसमें, और एक कंटिन्यूस बेरिश बुलिश पैटर्न रिवर्सल यहाँ पे बनाया है, और ये हाई सिग्नल है। मैं आपको हर समय बोलता था ना, ये टूटेगा तो लंबा टूटेगा। आपको इसके पहले भी मैंने, अगर आप इसकी चार्ट को बोले तो आपको यहाँ पे बताया था मैंने, एक इस पर बताया था, मैंने निफ्टी बताया था 65 तक जाएगा। अब 65 की ओर ही जा रहा है, और क्या फॉल बना करके ये भी 67.25 की ओर जा रहा है। लो 67 का आज बना दिया, तो ये 65 और 65 के नीचे 63 पे भी जा सकता है। अच्छा खासा क्रूड नीचे जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ऑयल सेक्टर को होगा, आपको टायर सेक्टर को होगा। सीए टायर जो कि अच्छा ही फाइन दिखा रहा है, अच्छा वर्क कर सकता है सीए टायर, आप वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो और भी मैं इसके बाद जो कॉल दूंगा आपको, पोजिशनल कॉल भी इसके बाद दूसरा वीडियो दे दूंगा, जहाँ पे जेट एयरवेज के बारे में ओपिनियन रहेगा, एलटी फाइनेंस के बारे में और सीएट के बारे में, ये तीन सेक्टर के बारे में व्यू रहेगा। आप चाहें तो उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। तो निफ्टी में मेरा पॉजिटिव व्यू है, निफ्टी आगे की ओर जाएगा। एक बार इसके जब आवरली चैट, अगर मैं इसके आवरली पैटर्न को देखूँ तो देखिए क्या अच्छा खासा ये जब ओपन होता है ये यहाँ पे, तो ओपन होता है ये 10452 पे, लो बनाता है 10442 का, उसके बाद देखिए ना 10459, उसके बाद एक बार 10442 का ये लो कहीं पे भी यहाँ पे नहीं बना रहा है, और एक ऊपरी ऊपर पैटर्न को फॉलोअप कर रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ जब पूरी यहाँ से बुलिश की ओर गया तो इस पैटर्न के बाद यहाँ पे ऊपर लिया, और यहाँ की क्लोजिंग के बाद फिर ऊपर ले रहा है। तो लास्ट आवर में देख रहे हैं जो ऊपर की ओर जा रहा है वहीं पे जाकर के खड़ा रह रहा है। लास्ट मोमेंट पे ये 10582 का हाई बनाया और 10582 की ही क्लोजिंग दी। लास्ट आवर में आप देखेंगे तो लास्ट जो आवर में है इसने जो हाई बनाया 10582 उसी पे क्लोजिंग दी। मीन्स फर्दर कल जो है अपवार्ड कोई नहीं रोक सकता है इसको, कल अपवार्ड ही रहेगा। आप पैटर्न भी देख लेंगे और चेक भी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। आप 10600 10 1100 पे 10600 का कॉल आपको जो मिल रहा है, 10600 का कॉल मिल रहा है, पोजीशन ट्रेडिंग करें 138 पे मिल रहा है, और 11000 का जो कॉल मिल रहा है वो आपको 11000 का कॉल मिल रहा है 15 रुपये पे। आप इसको पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में कोई पोजिशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सारा निफ्टी पे जो 13 तारीख का व्यू है, ये 13 तारीख के निफ्टी पे व्यू था। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।